खगड़िया जिले में बागमती और कोसी नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी जिले के दर्जनों गांवों में फैल चुका है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हो गई है। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकारी स्तर पर सुविधा नदारद है। नेपाल क्षेत्र में कई दिनों से हो रही बारिश से खगड़िया में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। जिले में कोसी और बागमती नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सभी स्थानों को बाढ़ ने टापू बना दिया है। बाढ़ से प्रभावित लोग अनाजों को लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। बताते चले कि उत्तरी मारर पंचायत के लोग दूसरे जगह शरण ले रहे हैं। यही हाल मानसी, बेलदौर, अलौली, चौथम और गोगरी प्रखंड की है। बाढ़ प्रभावित लोगों की माने तो उनके गांव में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा झांकने तक नहीं आया है। कुछ नहीं दिया है, एक ठो निमक तक नहीं दिया, खाने क्या देगा, पानी क्या देगा, व्यवस्था कुछ नहीं है। मुखिया जी इधर बोलता है, उधर सुनता है, उधर बोलता है, उधर सुनता है, बात को नहीं गोह करता है। आजाद मुखिया, यहाँ लगभग इस पंचायत में 10-12 गांव है, जहाँ की लगभग हमको लगता है कि 10,000 आबादी, लगभग 6,500 मतदाता, 10,000 आबादी पूर्ण रूप से प्रभावित है। पदाधिकारी सीओ और एडीएम आए थे, लेकिन वो सोनमनकी पुल पर से ही लौट गए और यहाँ तक गांव तक कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आए। वो कहता है कि इतना पानी तो आते जाते रहता है, और सीओ है थोड़ा सा दूसरे तरह का लोग, वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हमारे माननीय मुखिया हैं उनके और उनमें जो है बात नहीं बन रही है, वो दूसरे तरह से चलाना चाहते हैं। चूँकि ये प्रतिनिधि है तो दूसरे तरह से जनता के हित में ये काम करना चाहते हैं, और सीओ जो है खास करके सरकार के नाकामी को छिपाने के लिए सड़क पर भ्रमण करके लौट जा रहे हैं। किसी तरह के सरकार के द्वारा कोई सुविधा यहाँ नहीं है, ना भोजन का सुविधा है, ना नाव का सुविधा है, ना यहाँ जांच का जो है स्वास्थ्य का सुविधा है, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। साथ ही अभी तक उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, खगड़िया।